जो एक्स सर्विस मैन भी अब सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। तो ये खट्टर सरकार अब चाहती क्या है, खट्टर सरकार क्या चाहती है, महिलाएं रोड पर हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, महिलाएं रोड पर है और साथ ही साथ किसान रोड पर है, कर्मचारी रोड पर है, और अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें भी रोड पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के लघु सचिवालय के जिला सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और मैं आपको बता दूँ, आए दिन जो है सर्व कर्मचारी संघ, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, किसान है या अलग अलग यूनियंस है, लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती आ रही है अपनी मांगों को लेकर। और अलग अलग प्रकार की जो उनकी मांगे हैं, जो पुरानी मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं की गई, तो उसी प्रकार की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जिला यमुनानगर की तस्वीरें दिखा देता हूं। एक तरफ ये आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर बैठी है और उसी बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि आज देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक है, एक्स सर्विस मैन जो हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर, ये लोग भी आज धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि 14 जुलाई 2021 को पूर्व सैनिकों के लिए एक लेटर हरियाणा सरकार द्वारा पारित कर दिया जाता है कि आप लोग 4th ग्रेड की जो नौकरी है उसके बाद अगर आपने 2nd ग्रेड की नौकरी करनी है उसमें आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केडी बख्शी। केडी बख्शी जी, हरियाणा के अंदर अलग अलग प्रकार से जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कभी कोई अपना किसान हो गए या सर्व कर्मचारी संघ या आंगनवाड़ी वर्कर, किसानों को भी यहां पर बैठने का मजबूर होना पड़ा। ये एक मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। सैनिक जो है या भूतपूर्व सैनिक, वो धरने प्रदर्शन बहुत कम करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। हम भूतपूर्व सैनिक इसलिए मजबूर हुए हैं ये काम करने के लिए कि हरियाणा सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है आरक्षण देने की, उसको थोड़ा सा अमेंड करते हुए, जो भूतपूर्व सैनिकों के हक में नहीं है, आरक्षण जो है आरक्षण के ऊपर प्रतिबंध लगाया है जी। जो आरक्षण है उसके ऊपर प्रतिबंध ऐसे लगाया है कि हरियाणा के अंदर एक एक्स सर्विस मैन जो एक जवान होता है, जवान होते हुए वो रिटायर हो जाता है, एक जवान आदमी इवन तो 30 की एज के अंदर होते हैं, 30 साल तक 35 साल तक वो सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, भूतपूर्व बन जाते हैं। भूतपूर्व बनने के बाद उनको नौकरी की तलाश होती है और वो नौकरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो है वो दी जाती है। वो नौकरी उस वक़्त उसको ज़रूरत होती है, वो कोई भी नौकरी जो है, इवन दो 4th क्लास की नौकरी जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। होता वो हार्डली क्वालिफाइड है, हाईली डिसिप्लिन्ड होता है, उसको पूरा तजर्बा होता है, उसने बहुत सी ट्रेनिंग की होती है, पुलिस के जवानों से भी ज़्यादा वो ट्रेंड होता है, कमांडो तक होते हैं साथ में, लेकिन उसको नौकरी की तलाश होती है, वो 4th क्लास नौकरी भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये लेटर के अनुसार एक बार अगर उसने 4th क्लास की नौकरी एक्सेप्ट कर ली और कल को जो है वो 2nd ग्रेड की नौकरी निकलती है, 3rd ग्रेड की नौकरी निकलती है जो उससे बेटर है और वो आदमी क्वालिफाइड है उसके लिए वो अप्लाई तक नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार उसने ले लिया, ये लेटर वो कहता है कि एक बार उसने वो फैसिलिटी ले ली तो अब उसके लिए वो फैसिलिटी ताउम्र जो है वो बंद है। ये लेटर एक्स सर्विस मैन की वेलफेयर के लिए हित में नहीं है, ये वेलफेयर के विरुद्ध है ये लेटर, कि एक बार 4th क्लास रह गया तो वो सारी उम्र तक 4th क्लास ही रहेगा, उसके बाद में वो फैसिलिटी नहीं ले सकता। जबकि कोई भी आरक्षण जो है वो देखा जाए तो दूसरे जितने भी आरक्षण हैं वो उस आरक्षण के आधार के ऊपर नौकरी प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रमोशन में भी वो आरक्षण जो है उसमें फैसिलिटी लेते हैं, हायर रैंक के ऊपर भी उनका प्रमोशन होता है, लेकिन ये लेटर जो है ये उसके उलट, एक्स सर्विस मैन के इंटरेस्ट के उलट जो है
ये कह रहा है, ये पता नहीं हरियाणा सरकार ने क्या सोचा। इट इज़ नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन, इट इज़ नॉट एट ऑल इन द वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन, इट इज़ रैदर डैमेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन। एंड इट इज़ नॉट ओनली जो है एक्स सर्विसमैन के नहीं है, ये जो वार विडोज़ हैं जो शहीद हो जाते हैं उनकी विडोज़, उनके बच्चों, उनके भी जो आरक्षण है उसके ऊपर भी ये लागू होता है कि उन्होंने अगर एक बार डाउनग्रेड जो है, जो ज़रूरत होती है हर एक को ज़रूरत होती है नौकरी लेने के लिए, वो वार विडोज़ को भी ज़रूरत है, जिसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, जिसका हस्बैंड नहीं रहा तो उसने भी नौकरी लेनी है, उसको अगर फोर्थ क्लास भी नौकरी मिलेगी तो शी विल एक्सेप्ट, और उसके लड़के को मिलेगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो क्वालिफाइड भी है, हाईली क्वालिफाइड है, एमए है और वो दूसरा कमांडो है, दूसरे जो है पुलिस के अंदर है, पुलिस के अंदर ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द इवन फॉर द हाई रैंक, ही शुड बी गिवन द फैसिलिटी, ही शुड हैव द फैसिलिटी फॉर दैट वन। ये लेटर के अनुसार वो नहीं ले सकता, दिस इज फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न से ये लेटर जो है ये हरियाणा सरकार की फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन को वो दर्शाता नहीं है। इस लेटर के विरोध में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्स सर्विसमैन एजिटेट करके अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, आगे अपनी बात को बताना चाहते हैं कि ये लेटर वापस होना चाहिए। क्या आपकी चंडीगढ़ आवास में मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत हुई इस बारे? हाँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे लेकिन अभी तक जो है कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, इन्होंने जैसा कि बताया कि पूरी गुणवत्ता होने के बावजूद जो एक्स सर्विसमैन होता है उसके पास पूर्णतः ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, पर फोर्थ क्लास नौकरी के बाद अगर वो प्रमोशन चाहे तो उसको प्रमोशन हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया है जिसमें फोर्थ क्लास की नौकरी के बाद ना थर्ड क्लास नौकरी मिल सकती है ना सेकंड क्लास नौकरी मिल सकती है। देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का उत्पीड़न यहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 14 जुलाई को सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसके बाद जो एक्स सर्विसमैन भी अब सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। तो ये खट्टर सरकार अब चाहती क्या है, खट्टर सरकार क्या चाहती है, महिलाएं रोड पर हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, महिलाएं रोड पर है और साथ ही साथ किसान रोड पर है, कर्मचारी रोड पर है, और अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें भी रोड पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।